हूँ आपकी होस्ट और दोस्त शिवानी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ। और आज हम आपको बताने वाले हैं बी टाउन की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने वाली एक ऐसी जोड़ी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो है दीपिका और रणवीर सिंह की खूबसूरत लाइफ जर्नी, जिन्होंने हाल ही में शुरू की है अपनी मैरिड लाइफ और किस तरह से टीवी से लेकर बी टाउन के सारे स्टार्स ने किया है उनको शादी के बाद अपनी बेस्ट विशेस से ब्लेस आपको दिखाएंगे आज के इस खास प्रोग्राम में। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन से स्टार ने दीपिका रणवीर की शादी पर किस तरह किया रिएक्ट और किसकी विशेस रही उन सब के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल। तो देखिए किस बात की, चलिए शुरू करते हैं दीपिका रणवीर की शादी के बाद की गुड और वार्म विशेस का ये सिलसिला और आपको दिखाते हैं कि किस किस स्टार ने दिया अपनी दुआओं का ये बेहतरीन तोहफा दीपिका और रणवीर सिंह के नाम। बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत जोड़े दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर की शादी की ओकेजन में बॉलीवुड से लेकर टीवी टाउन के कई जाने माने स्टार्स ने उन्हें बड़े खूबसूरत तरीके से आगे की हैप्पी मैरिड लाइफ विश की है। और आज हम आपको उन्हीं कुछ सेलिब्रिटीज़ के सीधा मुंह से सुनवाएंगे कि किस तरह से उन्होंने दीवी यानी कि दीपिका और रणवीर सिंह की शादी पर किया रिएक्ट। तो चलिए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं क्या कहना है आपके टीवी से लेकर बी टाउन के स्टार्स का दीपिका और रणवीर सिंह की शादी के बारे में। ऐसे इंसान से पूछ रहे हो जिसकी शादी की कोई उम्मीद नहीं है तो, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट रणवीर दीपिका, आई होप एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ वंडरफुली मैरिड लाइफ। थैंक यू। Like an awesome pair, yaar. It's fab, and they're doing it in one of the most exotic places. George Clooney got married there. We were reading in Bombay Times the other day. It's a fabulous place, and I wish them all the very best. And I'm a fan of love stories, and they make such a beautiful fairy tale couple. Thank you, guys. Thank you. जी हाँ बिल्कुल, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं बहुत खुश हूँ कि दो ऐसे लोग साथ में आए हैं जो जिन्होंने इतना प्यारा काम किया है साथ में। तो एज एन ऑडियंस, एज अ फैन भी, इट्स समथिंग दैट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई विश देम द ऑल द बेस्ट। ओहो यार इससे क्या, बस लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। आई एम वेयरिंग शैला खान टुनाइट। जस्ट आई वुड लाइक टू विश द वंडरफुल कपल अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। गॉड ब्लेस देम, ऑल द गुड विशेस। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? वेल, तो देखा आपने कि बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से किस तरह दीपिका और रणवीर की शादी की खुशियां हर जगह फैली हुई हैं। और इस बात में कोई भी डाउट नहीं कि जब भी कोई लव बर्ड्स एक होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं के कोएक्टर, उन्हीं की इंडस्ट्री के कोएक्टर्स को होती है। और जिसका एग्जांपल हमने आपको दिखाया इन लोगों की प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस में। हालांकि ये ट्रेंड कुछ नया नहीं है कि जब किसी बड़े सेलिब्रिटी की शादी होती है तो हर किसी के दिल में उनकी एक वेडिंग झलक देखने की इच्छा बतौर आ ही जाती है। और ये होना लाजमी है भी, क्योंकि ये एक ऐसा बॉलीवुड कपल है जितनी फैन फॉलोइंग रणवीर सिंह रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा दीपिका पादुकोण का फेम और ग्लैमर है। यानी कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे ब्यूटी विद ब्रेन और टैलेंट का सही पूरा प्रॉपर पैकेज सामने आया है। और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जब भी ये दोनों न्यूली वेड कपल अपनी शादी की सारी सेरेमनीज कंप्लीट करके लौटेंगे तो किस तरीके से वो आने वाले हैं पब्लिकली नज़र। और ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगर ये दोनों एक साथ कोई फिल्म साइन करते हैं शादी के बाद तो ऑडियंस उस चीज़ को कैसे करेगी रिएक्ट और कैसा होगा रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म सिम्बा का ऑडियंस रिएक्शन। वेल, इन सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम बात लगातार करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल चल रहा है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी का सुरूर। और इसी सुरूर को कायम रखते हुए आपको दिखाते हैं
दीपिका पादुकोण से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। वेल, तो चलिए अब आपको बताते हैं दीपिका पादुकोण से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। वेल, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म देखकर बड़ी होने वाली दीपिका पादुकोण ने ये कभी नहीं सोचा था कि अपनी पहली ही डेब्यू फिल्म में वो अपने ड्रीम हीरो के साथ काम करेंगे। जी हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि शुरू से ही दीपिका पादुकोण शाहरुख खान की दीवानी थी, और ये लक कहिए या फिर उनकी किस्मत कि शाहरुख खान के साथ ही दीपिका पादुकोण को पहली फिल्म करने का मौका मिला। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फराह खान ने दीपिका पादुकोण को एक एडवर्टाइजमेंट में देखा था, और उस एडवर्टाइजमेंट में देखने के बाद ही फराह ने उन्हें ओम शांति ओम का ऑफर दिया था। हालांकि फिल्म एग्जैक्ट टाइम पर शुरू नहीं हो पाई, जिसके बाद फराह ने उन्हें ओम शांति ओम में भी साइन कर लिया, और ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण का ये खूबसूरत डेब्यू ऑडियंस से लेकर सारे डायरेक्टर्स को इतना पसंद आया कि एक के बाद एक वो सक्सेस की सीढ़ी डे बाय डे चढ़ती रही। अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि दीपिका के फादर प्रकाश पादुकोण जाने माने अपने टाइम के फेमस बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं, इसीलिए दीपिका भी एक बैडमिंटन प्लेयर बनने की चाह लिए कहीं ना कहीं बचपन से बड़ी हुई। लेकिन जब उन्होंने अपने कॉलेज के दौरान कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट साइन किए, तो इसके बाद उन्होंने अपने करियर बनाने के बारे में बॉलीवुड यानी कि ग्लैमर वर्ल्ड में सोचा। हालांकि इस फैसले में उनके माँ बाप दोनों ही उनके साथ हमेशा से रहे हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण तो शुरू से ही एक अट्रैक्टिव खूबसूरत ग्लैमरस एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी। वहीं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि दीपिका पादुकोण की एक छोटी बहन भी हैं, जिनका नाम अनीशा पादुकोण है। हालांकि उनका जो ज़्यादा माइंड डाइवर्ट है वो खेल की तरफ है, और वो काफ़ी अच्छा गोल्फ खेल लेती हैं। अपनी बहन की फिल्म देखना उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो तो सिर्फ एक प्लेयर ही बनना चाहती हैं। तो वहीं अब आगे बताते हैं आपको कि मॉडलिंग की दुनिया में आते ही दीपिका तुरंत फेमस हो गई थी, और बॉलीवुड में फिल्मों में कदम रखने से पहले निहार पांड्या के साथ हालांकि उनके रोमांस की खबरें काफ़ी ज़्यादा चली। जहां खबरों की माने तो इन दोनों ने कुछ अट्रैक्टिव सिजलिंग फोटोशूट भी कराए थे, जिसके बाद दीपिका पादुकोण का नाम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। फिल्मों में आने के बाद दीपिका का झुकाव रणवीर कपूर से हुआ, और उनके अफेयर की खबरें जोर पकड़ने लगीं। जहां एक दौरान रणवीर कपूर के साथ उनकी अफेयर की खबरें इतनी बढ़ी कि हर इवेंट में, हर एक ओकेजन में दीपिका पादुकोण को रणवीर कपूर के साथ अक्सर स्पॉट किया जाता था। यहां तक कि खबरों की माने तो एक इवेंट में रणवीर कपूर ने उन्हें एक इवेंट पर लव यू भी कह दिया था, और उन्होंने एक दूसरे को पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 में वेरी पॉपुलर शो कॉफी विद करण के एक एपिसोड में जब करण जौहर ने जब दीपिका पादुकोण से कुछ नोटोरियस सवाल पूछे, तो दीपिका ने बड़े ही बेबाक तरीके से कहकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग आंसर्स भी दिए थे, जिसके बाद उनके इस इंटरव्यू की चर्चा काफ़ी दिन तक हर जगह होने लगी थी। लेकिन रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद दीपिका पादुकोण का नाम कुछ दिन के लिए सिद्धार्थ मालिया के साथ भी लगातार जोड़कर देखा गया, लेकिन आफ्टर ऑल दीपिका ने इन सबको र्यूमर्स बताते हुए फाइनली अपने और सिद्धार्थ मालिया के रिलेशनशिप की खबरों का खंडन कर दिया। इसके बाद कभी कभी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी मूवीज दीपिका की सबसे ज़्यादा फेवरेट मूवीज़ हैं, और अगर बात की जाए दीपिका पादुकोण की पहली हिंदी फिल्म की, तो हेमा मालिनी को दीपिका पादुकोण बेहद पसंद करती हैं, और उनकी पहली हिंदी फिल्म ओम शांति ओम उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लवेबल मूवीज़ में से एक है। हेमा मालिनी के अलावा माधुरी दीक्षित, काजोल और सुष्मिता सेन भी दीपिका पादुकोण काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं। इसके अलावा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स अपनी फेवरेट लिस्ट में सबसे ज़्यादा पसंद हैं, और अगर बात की जाए हॉलीवुड एक्टर्स की, तो रिचर्ड ग्रे दीपिका की पहली पसंद में से आते हैं।
वेल तो आज के खास प्रोग्राम में आपने देखा दीपिका और रणवीर सिंह के लिए टीवी से लेकर बॉलीवुड सबके हाथ उठ रहे हैं दुआओं के लिए। और भाई हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल ये हैं बॉलीवुड के एक ऐसे चहेते, एक ऐसे पॉपुलर और एक ऐसे इंटरेस्टिंग कपल्स जिनकी लव स्टोरी से लेकर वेडिंग लाइफ तक सब कुछ रही है बेशुमार चर्चाओं में। वेल अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Yeah.